अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कार्यक्रम होगा, मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे कितने लोग हैं जो वंदे भारत ट्रेन में नहीं बैठे हैं? आप सब एक बार वंदे भारत ट्रेन में बैठिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में प्रधान चुके हैं। मैं बहुत छोटा सा किस्सा बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अभी 4 दिन पहले की बात है। ओम प्रकाश गुजराती जी ने एक स्टॉल लगाया, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का एक सुंदर स्टॉल लगाया है और इतना उम्दा क्वालिटी का लेदर और उस पर कई अन्य अन्य तरह की चीजें जो बहुत ही सस्ते दामों में आपको यहाँ मिलती है। यकीन मानिए कि ये जब मॉल्स में पहुँचती है तो उसकी 4-5 गुना कीमत हम उसको देते हैं। तो जोरदार हम तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। वोकल फॉर आइए आप अगली प्रस्तुति के लिए आपके सामने नृत्य आखिर नहीं प्रचंड है प्राची वर्मा वैशाली शर्मा जो आईटीआई देवास है। साधन है जिसका उपयोग गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति करता है। रेल परिवहन एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग भारत में सर्वाधिक किया जाता है और रेल की व्यवस्थाएं 2014 के पहले किस प्रकार की स्थिति थी यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति उच्च पद पर आसीन वो रेल में सफर करता था तो उसे लगता था कि कहां मैं रेल का सफर करने के लिए आ गया। स्टेशनों पर गंदगी और फैली हुई थी, पर कभी कोई काम नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव में पहले केवल धारा 370 को हटा देते और जम्मू कश्मीर को फिर से हमारे भारत का अभिन्न अंग बना देते तो वो चुनाव जीत सकते थे। भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतता था तो केवल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर देते, नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत जाते। नरेंद्र मोदी जी को यदि चुनाव जीतना होता तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से बनाया है कैसा यदि बना देते तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में केवल चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते। ये देश उनका देश है और उन्होंने अपने देश के लिए अपने परिवार को और अपने निजी जीवन को हमेशा दांव पर लगाया। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें क्या मिलेगा, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की उनका सम्मान होगा या अपमान होगा, उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि उन्हें उनका वैभव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उनकी गरिमा पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। उन्होंने केवल चिंता के तो इस बात की कि उनके किसी काम से भारत माता का वैभव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यदि भारत माता का वैभव पड़ेगा तो उन्होंने अपने प्राणों को भी असुरक्षित करने से
पीछे नहीं हटे और यही कारण है कि देश में जो आज आपको चहुमुखी विकास दिखाई दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण ऐसे लोगों की भी चिंता करते हैं जो समाज के हसीये पर होते हैं, जिनकी आमदनी के साधन सीमित होते हैं, और यही कारण है कि जो कुंभकार होते हैं, जो बुनकर होते हैं, हाथ करके बुनकर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी कलाकृतियों की बिक्री के लिए उन्होंने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की योजना को बनाया। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की योजना वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। वो उत्पादन जो किसी पर्टिकुलर एक ही रेलवे स्टेशन पर बनता हो या जिसे उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पर बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही विशेषताओं के साथ बनाया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट का आउटलेट बनाना और हर रेलवे स्टेशन पर अपना एक स्टेशन एक उत्पाद होना हमारे देवास में निर्वाद के लिए लेदर को चुना गया कि लेदर का यहां पर बड़ा काम है, लेदर की यहां पर बड़ी इंडस्ट्री है और देवास के लेदर की पहचान देवास के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होती है और यही कारण है कि देवास में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में लेदर के प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, जिससे कि हमारे छोटे छोटे कारीगर, हमारे छोटे छोटे वर्कर्स, हम की सेवा की कोई व्यक्ति मेरे ऊपर 10 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और वही दूसरी ओर यदि आप देखेंगे तो झारखंड का एक सांसद, उसके घर पे सीबीआई की रेड चलती है तो वहां पर 350 करोड़ रुपया नगद राशि मिलती है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालते हैं और ऐसे लोगों को सुधारने के लिए लगातार देश में नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करते जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत हो और विकसित भारत बनाने के लिए केवल एक पक्ष पर काम करने की आवश्यकता नहीं, विभिन्न पक्षों पर काम करने की आवश्यकता है। आज की 85,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना का शुभारंभ किया गया है, इसमें रेलवे स्टेशन, 10 वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। वंदे भारत ट्रेन में कितने लोग बैठे हैं आप में से कोई बताएगा कि कई बार तो ट्रेन के डब्बों में व्यक्ति यदि प्रसाधन का उपयोग करने के लिए जाता था तो उसे साक्षात नग दिखाई देता था, लेकिन 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने रेल और रेलवे को और अधिक समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास किया और यही कारण है कि जहां 2014 तक रेल का बजट 25,000 करोड़ का था, वहीं नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये बजट बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपया कर दिया गया, जिससे कि यहाँ के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके और इसके संवर्धन का भी ध्यान रखा जा सके। और आने वाला समय बहुत स्वर्णिम है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हमारे युवा विद्यार्थी मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं,